गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। देखो जो 10th क्लास की बुक है उसमें कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, रसायन विज्ञान के, कुछ फिजिक्स के हैं, भौतिक विज्ञान के, और कुछ हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के चैप्टर। तो बायोलॉजी के हमारे जो चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9। तो हम जो अपना लेसन नंबर 6 है जैव प्रक्रम वो शुरू करते हैं। देखो पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीवन, प्रक्रम मतलब कोई प्रक्रिया। तो जीवन की प्रक्रिया मतलब ऐसी क्रियाएं जो किसी वस्तु के, जो किसी भी जीव के लिए जरूरी है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिनके कारण कोई जीव जीवित रहता है वो होती है जैव प्रक्रम। ठीक है, अब जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं ये पढ़ने से पहले अगर कोई ये प्रश्न करे कि हम जीवित और एक निर्जीव वस्तु में अंतर कैसे कर सकते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने के लिए जरूरी है, लेकिन एक मुख्य चीज़ जिसको देखकर हम कहते हैं कि ये सजीव है ये निर्जीव है, जैसे हम किसी वस्तु को चलता हुआ देखते हैं, जैसे कुत्ता भौंक रहा है या चल रहा है या घोड़ा दौड़ रहा है, उसको देखकर हम कह देंगे कि यह वस्तु जीवित है। कहने का मतलब किसी वस्तु के अंदर अगर गति है तो गति को देखकर हम मुख्य रूप से कहते हैं कि यह वस्तु सजीव है। कुछ बड़े स्केल पे होती हैं गतियां, मतलब जैसे कोई वस्तु चल ही रही है, और कुछ होती है सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे दायरे की गतियां होती है, बहुत छोटे लेवल पे होती है, जैसे कोशिका के अंदर गतियां होती है। अब कह दिया कि गति के आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं कि यह सजीव है और निर्जीव है, लेकिन क्या सिर्फ गति के आधार पर जीव को सजीव और निर्जीव में बांटा जा सकता है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो चलती हुई नहीं दिखाई देती तो क्या वो सजीव नहीं होते? जैसे वायरस होते हैं, उनकी उनकी जो कोशिका होती है उसमें गतियां ही नहीं होती, लेकिन क्या वो सजीव नहीं है? वो सजीव होता है। उसके बाद हमारे अंदर भी बहुत सारी गतियां ऐसी हैं, कोशिकाओं की गतियां जो हमें दिखाई नहीं देती, तो क्या हम कहेंगे कि क्या हम सजीव नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ गति के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि कोई वस्तु जीवित है, उसके लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो एक सजीव को सजीव होने के लिए जरूरी है, और वो कौन कौन सी है? जैसे प्रत्येक सजीव वस्तु को भोजन, वायु और जल की आवश्यकता होती है, और सजीव वस्तु में वृद्धि करते हैं, हमें पता है सजीव वस्तुएं श्वसन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, जनन करती हैं, और वो संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील का मतलब है गर्मी सर्दी हम महसूस कर सकते हैं चीजों को, उसको बोलते वो होती है संवेदनशीलता। ठीक है भाई, तो जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ जैव प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, और वो जैव प्रक्रम कौन कौन से है, मतलब कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो किसी वस्तु को जीवित रखने के लिए जरूरी है, जो हमारे जो किसी जीव के शरीर में चलती हैं, जो क्रियाएं वही तो क्रियाएं होती हैं उसको जीवित रखने के लिए, और वो क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये कुछ क्रियाएं हैं जो किसी जीवित वस्तु के अंदर चलती है, और यही क्रियाएं उसको जीवित भी रखती हैं, और इन्हीं को बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है भाई, देखो अगर हम बॉडी को समझें, हमारा जो शरीर है, किसी भी जीवित वस्तु का जो शरीर है वो एक सेल्फ मेड है, मतलब सेल्फ यूनिट है, अपने आप में ही काम करती है, वो भोजन लेती है, उससे ऊर्जा निकालती है, उस ऊर्जा का प्रयोग करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर छोड़ देती है, और ये काम चलता रहता है कब तक, जब तक उसका कोई लाइफ स्पैन पूरा नहीं कर लेती। वो प्रत्येक जीव का एक लाइफ स्पैन होता है, एक जीवन है, जितने लंबे टाइम तक उसको जीना है वो जीता है, और उसमें यही काम करता है कि वो सेल्फ यूनिट अपने आप में काम करता है। जैसे एक इंजन होता है, हमने नया इंजन बनाया, वो पेट्रोल खाएगा या डीजल खाएगा, या उस डीजल या पेट्रोल जलेगा, काम करता रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो काम करता रहेगा धीरे 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 धीरे, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, एक लिमिट है, वो भी ऐसे डीजल लेगा, ऊर्जा निकाल लेगा, उस ऊर्जा से काम करेगा, कुछ वेस्ट जो बच जाएगा उसको धुएं के रूप में निकालता है, काम करता रहेगा, लेकिन जितने जितने टाइम का उसका लाइफ है उतने तक वो जी रहेगा, उसके बाद वो भी खराब हो जाएगा। हर एक
वस्तु का एक फिक्स टाइम होता है, ऐसे जीवित वस्तुओं का भी एक फिक्स टाइम होता है। तो हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या, देखो ये जितने भी जैव प्रक्रम है ये एक दूसरे से संबंधित है। अब मैं बता रहा हूँ पोषण मतलब पोषण क्या है, भोजन को लेना, उसको पचाना, उसके बाद क्या उस पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना, वो दूसरी जैव प्रक्रिया जैसे उसको बोलते हैं परिवहन। ठीक है, परिवहन में भोजन कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो भोजन कोशिकाओं में टूटेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो आ जाएगा श्वसन के अंदर। ठीक, फिर वहां से वेस्ट मटेरियल निकलेगा, फिर उसको बाहर छोड़ा जाएगा, और पाचन के दौरान भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, वो होगा उत्सर्जन। कहने का मतलब क्या है, सारी चीजें आपस में मिला जुला के एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके पूरी की पूरी ये यूनिट हमारी बॉडी बनती है। ठीक है भाई, तो हम इन जैव प्रक्रम को जो जीवन की क्रियाएं हैं किसी जीव के अंदर चलती हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोषण। ठीक है भाई, तो पोषण क्या है, पोषण आपने सुना भी होगा न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब सिर्फ भोजन लेना नहीं होता, पोषण का मतलब होता है, पोषण की अगर हम बात करें इसकी परिभाषा थोड़ी बड़ी है, भोजन को लेना, उसका पाचन करना, उसका अवशोषण करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये सारा का सारा किसमें आएगा, ये पोषण में ही शामिल है सब कुछ। भोजन को लेना, पचाना, अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थ जो बच गए उसमें से उनको बाहर निकालना, ये सब किसमें आएगा, ये पोषण के अंदर आएगा। तो ये तो होगा पोषण। पोषक क्या होता है, पोषक देखो, पोषक कोई भी वस्तु जिसको हम अपनी वृद्धि के लिए या ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाते हैं वो हो जाएगी पोषक। जैसे हम भोजन खाते हैं, हम भोजन को पोषक नहीं मान सकते, पोषक का मतलब भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारे वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए जरूरी है। अब ऊर्जा के लिए मेनली कौन सी चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, और वसा वो भी मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, ये होते हैं ऊर्जा देने वाले जो डेली यूज के हैं। फिर कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए जानते भी होंगे आप, जो मसल्स निर्माण के लिए क्या है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बनाने के लिए, बहुत सारे खनिज होते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं वो विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं, खनिज बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो ये निर्माण का काम करते हैं अंदर जाके, और ये हमें ऊर्जा देते हैं, मतलब अंदर जाएंगे टूटेंगे और ऊर्जा देंगे। तो ये होगा भी पोषक, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम खाएंगे ऊर्जा देने के लिए या फिर शरीर की वृद्धि के लिए उसको कहेंगे हम पोषक। और पोषण क्या है, किसी भोजन को लेना, पचाना, अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये होगा पोषण। ठीक है भाई, अब बात आती है कि पोषण जो है वो कितने प्रकार का है। देखो पोषण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक होता है सम पोषण या समम पोषण और एक होता है विषम पोषण। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सम पोषण, सम का मतलब होता सेल्फ, अपने आप, पोषण मतलब अपना भोजन अपने आप बनाते हैं जो, उसको बोलते हैं सम पोषण। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन समम बनाएगा, किससे बनाएगा, देखो भोजन होता है कार्बनिक पदार्थ, जो हम खाते हैं वो कैसा होता है, कार्बनिक पदार्थ। तो ये कार्बनिक पदार्थ किससे बनता है, ये अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनता है जो स्मॉल होते हैं, मतलब जो सिंपल होते हैं, साधारण कार्बनिक पदार्थों से मिलकर एक बड़ा कार्बनिक पदार्थ बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर कोई कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो जाए तो वो कार्बनिक पदार्थ वो भोजन के रूप में लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब सब पोषण का मतलब है ऐसे जीव जो भोजन को, भोजन का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण अपने आप करते हैं उन, उसको बोलते हैं सम पोषण, और ऐसे जीवों को बोलते हैं समम पोषी जीव, समम पोषी। ठीक है, और ऐसा कौन करता है, ऐसा करते हैं भाई हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं, ये मत समझना कि सारे के सारे पौधे ही अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, नहीं, जो हरे रंग के पौधे होते हैं वो ही अपना भोजन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हरे रंग में होता है क्लोरोफिल, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु भी हैं जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, और कुछ होते हैं नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। शैवाल क्या होता है,
शैवाल होता है जो पानी में काई पड़ी रहती है ना, हरे हरे जैसे रंग की जो काई होती है उसको बोलते हैं शैवाल। तो नीले हरे शैवाल वो भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं और हरे पौधे तो है ही जो अपना भोजन अपने आप बनाएंगे। अब बात आती है विषम पोषण की। तो विषम पोषण की अगर मैं परिभाषा दूं तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अपने आप नहीं बनाता उसको बोलते हैं विषम पोषण। और विषम पोषण होता है अलग अलग प्रकार का। देखो यहाँ जीव अपना भोजन अपने आप नहीं बनाएगा, मतलब कहने का वो दूसरे से लेगा। तो इसमें हो सकता है कि वो मृत जीव ही है। मृत जीव का मतलब है ऐसे जीव जो गली सड़ी वस्तुओं को खाते हैं उसको बोलते हैं मृत जीवी या सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं इंग्लिश में, सेप्रोट्रोप्स। ठीक है भाई, सेप्रोट्रोप्स जो गली सड़ी चीजों को खाएंगे, जैसे बहुत सारी फंजाई मतलब जो कवक होते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मृत जीवी होते हैं जो मरी हुई गली सड़ी चीजों को खा लेंगे। ये कैसे करते हैं ये काम, जैसे कोई चीज जैसे कोई जानवर मर जाए या पेड़ टूट के गिर जाए तो ये क्या करेंगे, ये जीव उसके ऊपर जाएंगे, अपने एंजाइम को उसके ऊपर छोड़ देंगे। एंजाइम वो चीज होती है जो जटिल पदार्थों को गलाकर पिघलाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, फिर उन सरल पदार्थों को ये अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार कार्य करते हैं कौन, मृत जीवी। इसमें कौन आते हैं, ये कवक आते हैं, फंजाई जो फफूंद होती है जो अचार के ऊपर आप लोगों ने देखी होगी कई बार, या ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है ना वाइट वाइट सी, वो होते हैं कवक या फंजाई। दूसरा एक होता है परजीवी। परजीवी पर का मतलब दूसरा, जीवी मतलब दूसरे जीव के ऊपर जो जीवित रहते हैं उसको बिना मारे बगैर मारेंगे नहीं उसको, लेकिन उसके शरीर पे ही जीवित है उसको बोलते हैं परजीवी। और परजीवी मनुष्य के ऊपर होते हैं, जानवरों के ऊपर भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर भी परजीवी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, सिर में जुएं होती है तो वो क्या करते हैं, वो हमें मारती नहीं है लेकिन वो क्या करती है, वो खून चूसती रहती है, तो जुएं क्या हो गई, परजीवी। या बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके ऊपर पिस्सू होते हैं, पिस्सू आपने देखो होगा ना कुत्तों पे भी लगे होते हैं, उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक से रंग के होते हैं ना, वो भी परजीवी होते हैं। मतलब वो उस जीव के ऊपर रहेंगे, उसका खून चूसते रहेंगे लेकिन उसको मारते नहीं है, वो होते हैं परजीवी। मतलब इनको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। ठीक है, हमारे शरीर में अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, उनको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। जो शरीर के ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और जो अंदर होते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। बहुत सारे राउंड वर्म होते हैं, गोल क्रीमी होते हैं, चपटे क्रीमी होते हैं, जो हमारे शरीर में होते हैं, हमारी आंत में भी होते हैं, वो परजीवी होते हैं। ठीक है भाई, पेड़ पौधों में आपने देखा होगा एक पीले पीले से रंग की बेल देखी होगी जो बहुत सारे कई बार पेड़ के ऊपर पड़ी रहती है, पूरे पेड़ को ढक लेती है, उसको बोलते हैं अमर बेल। वो अमर बेल क्या होती है, कसकटा होती है, इंग्लिश में बोलते हैं कसकटा, हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। वो उस पेड़ से पोषण लेती रहती है, मतलब उसका जो खाना है वो लेती रहेगी, तो पौधे को खाना नहीं मिलता और पेड़ धीरे धीरे से सूख जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो पोषण होता है उसको बोलते हैं परजीवी। उसके बाद है एक होता भी इंग्लिश में बोलते हैं उसको होलोजोइक। होलोजोइक मतलब ऐसे जीव जो सॉलिड फूड खाते हैं, मतलब ठोस पदार्थ को खाते हैं, इनटेक करते हैं ठोस पदार्थ, उसको बोलते हैं होलोजोइक। जैसे हम हैं रोटी का पूरा टुकड़ा खाएंगे, सॉलिड चीजें खाते हैं ना, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे इसको, होलोजोइक पोषण। सारे के सारे जानवर लगभग गाय भैंस मनुष्य वगैरह सब जो क्या है ये होलोजोइक है, मतलब ये ठोस पदार्थ को खाते हैं, फिर उस ठोस पदार्थ में जो जटिल पदार्थ होते हैं वो अंदर जाएंगे, फिर उनका पाचन होगा और सरल पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार होलोजोइक पोषण में सरल पदार्थ निकलते हैं, फिर उनका अवशोषण होता है। ठीक, ये तो हो गए भाई किसके, विषम पोषण के अलग अलग प्रकार, ये हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या स्वयं पोषण। तो स्वयं पोषण किसमें होता है, पेड़ पौधों में। ठीक है भाई, पेड़ पौधे जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण
एक क्रिया है जो हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से ही कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हर एक पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस क्रिया में वो क्या करते हैं, परिभाषा पढ़े तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मिट्टी से जल लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या लिया उन्होंने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या लिया, पानी लिया 6 CO2 6 H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनाया C6H12O6 और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलती है। ये तो बात हम जनरली पढ़ चुके हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है पौधे में, देखो सिर्फ हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हरा भाग पौधे में कौन सा होता है, हरा भाग होता है पत्तियां। जैसे मैं उदाहरण लूं, ये मान लो कोई पेड़ है और पेड़ में ये कोई पत्ती है। हमें पता है कि जो जीवित वस्तुएं होती है वो कोशिकाओं के जुड़ने से बनती है, तो इस पत्ती में बहुत सारी क्या है, कोशिकाएं हैं। तो ये क्या है, ये सारी कोशिकाएं हैं, मान लेते हैं ये कोशिकाएं हैं भाई, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने घर में खाना बनाना है तो आपने आलू की सब्जी बनानी है, तो आपके पास क्या है, आलू, सबसे सिंपल आलू की सब्जी, मतलब भाई आलू को पानी में घोल के और बना लेना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास आलू होना चाहिए और पानी होना चाहिए, इनको किस में रखेंगे, किसी न किसी बर्तन में रखोगे, फिर इसको क्या करोगे, फिर इसको गर्म करोगे ताकि जो आलू है और पानी है वो आपस में मिल जाए, मतलब उनके आबंध टूटे और आपस में मिक्स हो जाए। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक पत्ता है, हरा पत्ता, उस पत्ते में क्या है, जैसे आप अगर आलू की सब्जी बनाते रसोई में जाओगे, रसोई में एक बर्तन लोगे, बर्तन में आलू और पानी डालोगे, फिर उसको गर्म करोगे तब बनता है। ऐसे ही एक पत्ता है, पत्ते में क्या है, कोशिका है, और कोशिका में ये कोशिकाएं हैं, कोशिका में है ही मान लो ये है क्लोरोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन निर्माण होता है, हरी पत्तियां, हरी पत्तियों में कोशिकाएं, कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन का निर्माण होता है। मतलब जो ये क्रिया चल रही है ये कहां हुई है, ये हुई है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है, क्यों, क्योंकि हमें ऊर्जा तो चाहिए। देखो आलू और पानी आपस में ऐसे नहीं जुड़ेंगे, उनको गर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही जो CO2 उसने ली है, CO2 कैसे लेगी, इस पत्ते के अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको रंध्र बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं नीचे वाले सरफेस पे, मान लो पत्ता है नीचे वाले सतह पे ज्यादा छेद होते हैं, ऊपर वाले पे कम होते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी और यहाँ जड़ों से क्या जाएगा, पानी जाएगा इसमें ऐसे, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों किसके पास जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, और वहां पे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जुड़ेगी, इनको जुड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश को भी कौन अवशोषित करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग का एक रंग है समझ लो, और उस क्लोरोफिल के कारण ही इन पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल का कार्य है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेना, ठीक है। उस सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिक्स हो जाएंगे। देखो ये जो जल है, जब इस सूर्य के प्रकाश आएगा तो वह ऊर्जा क्लोरोफिल ले लेगा, और उस ऊर्जा को, अभी वो प्रकाशीय ऊर्जा थी, उनसी थी प्रकाशीय ऊर्जा, इस प्रकाशीय ऊर्जा को क्लोरोफिल ने क्या किस में बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। इस रासायनिक ऊर्जा को लेकर ये जो जल था H2O ये टूट जाएगा किस में, H2 और O2 में। ऑक्सीजन तो निकल गई यो की यो बाहर, देखो ये निकल गई, और ये हाइड्रोजन बच गई, ये कहां चली गई, इस हाइड्रोजन चली जाएगी CO2 के पास। देखो कार्बन भी इसके पास पहले से है, ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन कहां से आई, जल में से, तो इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगी, तो बन जाएगा क्या, C6H12O6, और ये क्या है, ये है ग्लूकोज, ठीक है। जो ग्लूकोज बन गया पौधा उसको कुछ तो अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर लेगा, बाकी जो बच जाएगा, मान लीजिए ग्लूकोज है,
तो बहुत सारे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा। स्टार्च जिसको हिंदी में बोलते हैं मंड, मंड में बदल जाएगा और फिर इस पत्ती के अंदर भोजन मंड के रूप में संचित रहेगा। ठीक है, जब उसको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो उस मंड का प्रयोग करेगा भोजन के रूप में। ठीक है भाई, अब देखो इस प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने में क्या क्या काम हुआ। इसमें पहला काम हुआ ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण किसने किया, ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल ने, क्लोरोफिल ने। उसके बाद ऊर्जा किसमें बदल गई, प्रकाश की ऊर्जा थी फिर वो किसमें बदली, रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश की ऊर्जा का दूसरा काम क्या हुआ, प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर, ये हुआ ना। तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ यहाँ पे अपचयन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पास कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी तो ये बढ़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ यहाँ पे अपचयन, तो CO2 का अपचयन ये तीसरा स्टेप होगा इसमें। तो ये तीन स्टेप में प्रकाश संश्लेषण पूरी हो जाती है। पहले में ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा, फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वो ले लेगा और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है जो ये ऊर्जा है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन जुड़ गई, ऐसे तो जुड़ी नहीं, उसने ऊर्जा ली होगी और वो ऊर्जा उसमें फिट हो गई होगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ी है ना, इसमें जो आबंध बने हैं वो ऊर्जा उस आबंध में चली गई है, तो इसलिए इस वो रासायनिक अभिक्रिया में वो ऊर्जा प्रयोग हुई और वो आबंध में चली गई, इसलिए उस ऊर्जा को बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। अब वो ऊर्जा इसमें संचित है, ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ी और ग्लूकोज बना और वो ऊर्जा अभी भी इसमें संचित है। जब अगर ये टूटेगा तो वो ऊर्जा निकलेगी, और ये कहाँ टूटता है, ये जब हम इसको ले लेंगे खाने को, हम खाएंगे तो ये हमारी कोशिकाओं में टूटता है। तो ये पौधे ने क्या किया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पौधे इस प्रकार अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, जड़ों द्वारा भोजन लेते हैं, जड़ों द्वारा जल लेते हैं, जल जाएगा ऊपर, जाइलम से जाता है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा था 9th क्लास में, जाइलम से होता हुआ जल ऊपर तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो भाई ये था स्वयं पोषण आज के लिए, जो इस वीडियो में मैंने बताया वो बताया बस स्वयं पोषण, बाकी पर पोषण वगैरह ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।